भाई और बहनों, 10 साल तक दीदी ने बंगाल को भेदभाव और पक्षपात वाली सरकार दी है। हालत तो ये है कि स्पोर्ट्स क्लबों खिलाड़ियों तक की मदद में भी दीदी ने भेदभाव किया। जो स्पोर्ट्स क्लब दीदी का गुणगान करें, उनके गीत गाएं, उन्हें पैसा, जो खेल पर अपना ध्यान दे, बंगाल का नाम रोशन करे, वो स्पोर्ट्स क्लब यहां पैसों के लिए तरसते हैं। दीदी की इसी दुर्नीति की वजह से बुजुर्गों को मिलने वाला भाता तक सभी लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पा रहा है। गांव की सड़क को भी दीदी की सरकार ने राजनीति का शिकार बना दिया। मनरेगा की मजदूरी हो या फिर आपदा की राहत हो, दीदी की सरकार ने सब में भेदभाव किया, पक्षपात किया। आपको 3 साल पहले की रामनवमी याद है? आसनसोल रानीगंज के दंगे कौन भूल सकता है? इन दंगों में सैकड़ों लोगों के जीवन भर की मेहनत राख हो गई। सबसे ज्यादा नुकसान गरीबों का हुआ, पटरी पर दुकान लगाने वालों और छोटे व्यापारियों का हुआ। दंगाइयों का साथ किसने दिया? दंगाइयों का साथ किसने दिया? दंगाइयों का साथ किसने दिया? पूरी ताकत से बोलिए, पता चले देश को। दंगाइयों का साथ किसने दिया? दंगाइयों का साथ किसने दिया? तुष्टीकरण की नीति किसने पनपाई? तुष्टीकरण की नीति किसने पनपाई? किसके कारण पुलिस दंगाइयों के पक्ष में खड़ी रही? किसके कारण पुलिस दंगाइयों के पक्ष में खड़ी रही? एक ही जवाब है ना। हर कोई कह रहा है दीदी के कारण। भाइयों और बहनों, जो विकास पर विरोध को, विश्वास पर प्रतिशोध को, सुशासन पर राजनीति को प्राथमिकता देती है, ऐसी सरकार पश्चिम बंगाल का भला नहीं कर सकती। इसलिए बंगाल को आशोल परिवर्तन चाहिए। आशोल परिवर्तन बंगाल में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के लिए, आशोल परिवर्तन बंगाल के युवाओं को रोजगार के लिए, आशोल परिवर्तन बंगाल में कानून के राज के लिए।